अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही इंस्टेंट और क्विक डेजर्ट जो बहुत कम समय में बन जाएगा और इसके साथ साथ सभी को बहुत पसंद भी आएगा। बहुत ही क्रीमी और डिलीशियस डेजर्ट है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया है 1/4 कप दूध, और दूध मैंने ठंडा ही लिया है। इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो इसमें कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए, इसे हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पर एक पैन में हम लेंगे 1.5 कप दूध, तो यहाँ पर मैंने मेजरिंग कप का यूज़ किया है। 1.5 कप दूध लेंगे और इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि इसमें बॉईल ना आ जाए। जब इसमें बॉईल आ जाएगा इसका फ्लेम लो कर देंगे और इसे थोड़ा सा हम पकने देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट हो जाने के बाद इसमें ऐड कर देंगे हम चीनी, तो यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून चीनी ऐड किया है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मीडियम फ्लेम पर जब तक कि चीनी पूरी तरह से घुल ना जाए। तो इसे लगातार चलाते रहेंगे। चीनी अच्छी तरह से घुल गई है, अब इसमें ऐड करेंगे हम कस्टर्ड का घोल जो हमने बना के रखा था। तो धीरे धीरे इसमें ऐड करेंगे और चलाते रहेंगे। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून और इसे मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे और इसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसे साइड में रख देते हैं। अब बनाएंगे हम इंस्टेंट रबड़ी। इसके लिए हमने लिया है 1/2 कप मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर हमें डेरी वाइटनर नहीं लेना है, यहाँ पे हमें मिल्क पाउडर का यूज़ करना है। तो मैंने अमूल का लिया है। 2 टेबल स्पून इसमें पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर। अब इसमें ऐड करेंगे हम दूध 2 टेबल स्पून। तो यहाँ पे घर की मैंने मलाई यूज़ की है, 2 टेबल स्पून फ्रेश मलाई होनी चाहिए। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस तरह का थिक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून और दूध ऐड किया है क्योंकि मुझे थोड़ा ड्राई लग रहा था। तो दूध आप 1 टेबल स्पून कम या ज़्यादा कर सकते हैं जैसी आपकी ज़रूरत है। तो बस थिकनेस इसकी इतनी गाढ़ी होनी चाहिए। तो ये रबड़ी बन के रेडी है। यहाँ पर मैंने 6 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और इसके किनारों को काट लेंगे। अब एक स्लाइस पे हम लगाएंगे रबड़ी, जैसे हम सैंडविच बनाते हैं बस इसी तरह से हमें रबड़ी को लगाना है और इसे दूसरी स्लाइस से क्लोज कर देंगे। इसी तरह हम सभी को बना लेंगे। तो यहाँ पे 2 ब्रेड में आपके 4 पीस बनेंगे, तो इस तरह से टोटल हमारे 12 पीस बन के रेडी होंगे। यहाँ पर नॉर्मल दूध मैंने लिया है, इसमें डिप करेंगे और इस तरह से किसी भी सर्विंग डिश में अरेंज कर देंगे। ब्रेड को बहुत देर तक इसमें डिप नहीं करेंगे, नहीं तो ये टूटने लगेंगे। तो ये सभी को अरेंज करने के बाद इसके ऊपर अब हम कस्टर्ड पोर करेंगे। तो कस्टर्ड अगर ठंडा हो गया है तो उसे थोड़ा गर्म कर लें। तो गर्म कस्टर्ड डालने से ब्रेड है ये अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेंगे। कस्टर्ड बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा पतला होना चाहिए। तो अगर आपको कस्टर्ड लग रहा है कि बहुत ज़्यादा थिक हो गया है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और भी थिक हो जाता है, तो इसमें थोड़ा सा आप दूध ऐड कर सकते हैं 1/2 कप के अराउंड। इसे कंसिस्टेंसी बैलेंस हो जाएगी। तो इसके ऊपर मैंने गरम कस्टर्ड शामिल कर दिया है। अब इसे हम गार्निश करेंगे स्लाइस कटे हुए काजू, बादाम, पिस्ता और केसर के मैंने थोड़े से धागे इस पे स्प्रिंकल कर दिया है। तो आप इसे किसी भी तरह से गार्निश कर सकते हैं। अगर आपके पास चेरी है तो आप उससे भी गार्निश कर सकते हैं, तो देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लगेगा। अब इसे हम रख देंगे फ्रिज में कम से कम 20 मिनट के लिए, जिससे कि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो इसे हम ठंडा ही सर्व करेंगे। तो ये हमारा इंस्टेंट ब्रेड कस्टर्ड पुडिंग बनके बिल्कुल रेडी है। आई होप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो हमेशा की तरह लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे।